हेलो दोस्तों, मैं हूं मिलन। आप लोगों को स्वागत करता हूं एमएम कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे 10 इंची बाय 10 इंची पिलर को कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। चले आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो रिंग है, रिंग बांधने का काम हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पे बोर्ड को फिटिंग करके ढलाई किया जाएगा। जो हेड मिस्त्री है वो सरिया को नाप के लेके आया है, उसको लैपिंग देने के लिए। लैपिंग देना ज़रूरी है इसका नाप पे, जो यहाँ पे लैपिंग दिया जाएगा। मोटा मोटी 12 mm का जो सरिया रहता है उसका लैपिंग मोटा मोटी 17 इंच देना चाहिए। देखिए, जहाँ पे 17 इंची हो रहा है वहाँ पे दागी दिया गया है चौक से। अब इसको लैपिंग दिया जाएगा। लैपिंग का कैसे करते हैं उसका प्रोसेस हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, लैपिंग देने का जो प्रोसेस है, जो 17 इंची नाप लिया गया था वहाँ तक एक थो बैंड किया जाएगा। उसका ठीक 1 इंची ऊपर उल्टा करके उसको बैंड, फिर से एक बैंड दिया जाएगा। देखिए, मिस्त्री बैंड दे रहा है, फिर उसको मोटा एक तो लैपिंग बन जाएगा, फिर दूसरा में भी सेम चीज़ें अपनाया जाएगा। देखिए आप लोग, फिर एक तो बैंड देगा, 1 इंची 1 इंची दूरी में ही एक तो बैंड देगा। हो गया है, आप लोग देखिए जो बैंड है हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, ठीक 17 इंची दूर में एक ठो लगाया गया, उसके बाद एक ठो बैंड फिर 1 इंची दूर में, जस्ट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लैपिंग देने का जो प्रोसेस है आप लोग देख सकते हैं, जो बैंड किया गया सरिया है उसको अंदर तरफ देना पड़ेगा। काहे कि वो जो उसका बैंड का जो पोर्शन है ऊपर से ही जाए, उसका लोड वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है उस दूसरा सरिया में जो बांधा जा रहा है। 3 जगह में टोटल बांधा जाएगा। तो देखिए, दूसरा को भी लैपिंग दिया जा रहा है, एक ठो ऊपर में बांधा जाएगा, एक ठो ठीक उसका नीचे में और एक ठो मिडिल में। आप लोग देखिए, ऊपर में बांध रहा है, इसको टाइट दिया जा रहा है, उसका ठीक ऊपर में हो गया। आप नीचे में देगा, उसके बाद एक ठो मिडिल में देगा। आप लोग आगे देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो रिंग है वो 6 mm का रिंग प्रोवाइड किया गया है, और जो इसका साइज है 9 इंच बाई 9 इंच का साइज है, देख सकते हैं इसको बांधा गया है। जो लैपिंग है, लैपिंग को बैंड किया गया है, ऊपर से जो लोड आएगा वो अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नीचे का सरिया में। आप लोग देखिए, ऊपर का लोड जो है नीचे के सरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बैंड इसीलिए किया जाता है कि अगर बैंड नहीं किया जाएगा तो एक तरफ इसका जो ढलाई होने के बाद इसका जो सरिया का लेंथ है, एक तरफ बढ़ जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। इसीलिए इसको लैपिंग करके इसको सीधा ही किया जाता है, नहीं तो इधर छोटा इधर बड़ा हो जाएगा। आप लोग देखिए, इसको सीधा किया गया है। दोनों रिंग का बीच में जो गैप है वो 8 इंच रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं दोनों रिंग का बीच का गैप। इसके बाद ये जो बोर्ड लग जाएगा, बोर्ड इसका फिटिंग होने के बाद इसका ढलाई हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो बोर्ड फिटिंग हो रहा है, मिस्त्री दोनों मिस्त्री मिल के इसको बोर्ड को फिटिंग किया करेगा। बोर्ड फिटिंग होने के बाद इसमें जो कॉन्क्रीट सीमेंट से जो गिट्टी और बाली से जो मिक्सचर है, मिक्सचर से उसको ढलाई किया जाएगा। आप लोग देखिए, यहाँ पे जो साइड से जो नट बोल्ट है, वो नट बोल्ट है, आप लोग देख सकते हैं नट बोल्ट रेंज से इसको नट बोल्ट को टाइट किया जाएगा। दोनों तरफ है, 3 टू 3 टू करके 6 टू नट बोल्ट टोटल रखता है इसमें। आप लोग देख सकते हैं जो ढलाई है कंक्रीट का वो शुरू हो चुका है, बोर्ड के ऊपर ढलाई ढला जा रहा है। देखिए, जो रस्सी से बांधा जा रहा है कि अगर जो बोर्ड है वो बाहर तरफ ना चल जाए, इधर से टान दिया जाएगा, इधर ही रहे बोर्ड, बाहर ना गिर जाए। हम लोग देखिए, जो कंक्रीट का मिक्सचर है उसको देने के बाद एक जो नुकीला बांस लिया गया है, वो बांस से उसको कोना कोना ढकेला जा रहा है कि जो कंक्रीट का मिक्सचर है, देख सकते हैं आप लोग, जो कंक्रीट का मिक्सचर है वो कोना कोना फैल जाए, ये नुकीला बांस से उसको ठेला जा रहा है। एक तो सरिया भी लिया गया है एकदम कोना कोना उसको फैलाने के लिए। मोटा मोटी 7-8 घंटा बाद हम लोग आ चुके हैं। देखिए, जो कंक्रीट का बोर्ड है, जो इस बोर्ड को खोला जा रहा है, इसको नट सबको ढीला करके रेंज से, इसको खोलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रेशनेस जो ढलाई है हम लोगों का जो पिलर है वो निकल के आता है। देख सकते हैं आप लोग, जो पिलर है बहुत सुंदर तरीके से निकल कर आ रहा है। एवं कोना, आप लोग उसका कोना देख सकते हैं कितना नुकीला बना है, इसीलिए उसको जो नुकीला बांस उसको ठेला जाता है कि एकदम कोना कोना उसका अच्छा रहे। देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा बना है, खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एकदम फ्रेश बना है, ढलाई दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो कॉलम बना है अच्छा बना है। लोग आगे दिखाते हैं, देखिए आप लोग
कोना देखिए कितना बेहतरीन बना है, एकदम बहुत अच्छा बना है। आप लोग देख सकते हैं उसको ऊपर से जो नीचे का व्यू है, आप लोगों को स्लो मोशन में हम दिखा रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। देखिए हम नीचे से ऊपर तरफ दिखाते हैं आप लोगों को, उसका व्यू बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा बना है बहुत। अभी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।